जो कौम अपने नज़रिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। जो इंसान अपने नज़रिए से हटता है वो भटक जाता है। और हमारा नज़रिया मदीना की रियासत का नज़रिया था। उसमें दो सबसे अहम चीज़ें थीं, एक इंसानियत, फलाही रियासत, जिधर रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसको अंग्रेज़ी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमज़ोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है, यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है।